वेलकम स्टूडेंट्स, आज ICBN रूल्स के अंतर्गत अपन नेमिंग ऑफ टैक्सा का स्टडी करेंगे। वर्गों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है और इसमें वंश और जाति के नामकरण की क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले जब अपन वंश का नामकरण कर रहे हैं तो कोई भी पादप के वानस्पतिक नाम में उसका वंश नाम जो है वो यूनिनोमियल होता है और ये एक सिंगुलर है, एक वचन संज्ञा है नाउन। अब उसके नामकरण के लिए कुछ रूल्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि वंश का नामकरण किसी व्यक्ति की यादगार में किया जा सकता है, कमेमोरेशन ऑफ ए पर्सन। जैसे कि बोहिनिया वंश को दिया गया है, बोहिनिया, ये कैस्पर बॉय के आधार पर बोहिनिया जो कचनार का वंश है। इसी प्रकार से वॉशिंगटोनिया जो है, वॉशिंगटोनिया वो जॉर्ज वॉशिंगटन ऑफ यूएस। विक्टोरिया, जीनस विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। जिनोविया, क्वीन ऑफ पामीरा। तो ये जो नामकरण जो है वो किसी व्यक्ति की यादगार में अपन दे सकते हैं। स्थान पर आधारित हो, बेस्ड ऑन ए प्लेस। कुछ जीनस के नामकरण जैसे भौगोलिक स्थान जहाँ से उनकी उत्पत्ति है या उसको रजिस्टर किया गया है, जैसे कि ऑरोकेलिया जो होता है, जीनस ऑरोकेलिया, इसका नामकरण जो एरोगा प्रोविंस है, एरोगा प्रोविंस ऑफ चिली, लेटिन अमेरिकन कंट्री जो चिली है उसका ओरोगा प्रोविंस से ऑरोकेलिया का संबंध है। इसी प्रकार से सल्वाडोरा जो है, सल्वाडोरा, सल्वाडोरा जीनस है वो, अब सल्वाडोर कंट्री है उससे संबंधित है। इसी प्रकार अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला से, तो ये बेस्ड ऑन ए प्लेस हो सकते हैं। फिर आधार महत्वपूर्ण पादप लक्षणों पर आधारित, बेस्ड ऑन ए इंपॉर्टेंट प्लांट कैरेक्टर्स, और उसमें अपन इंपॉर्टेंट प्लांट कैरेक्टर्स में कुछ उदाहरण ले रहे हैं, और जैसे जैंथोजाइलम है, जैंथोजाइलम, ये जैंथोजाइलम में जैंथो वर्ड है वो येलो कलर के लिए है और जाइलम जो है वो वुड के लिए, यानी कि जैंथोजाइलम में येलो वुड पाई जाती है इसलिए उसका नाम जैंथोजाइलम, येलो वुड के लिए। और इसी प्रकार से एकेंथोस्पर्मम, एकेंथोस्पर्मम, यहाँ पे देखो दो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है एकेंथो, एकेंथो या एकेंथस कहते हैं स्पाइक को, स्पर्मम यानी स्पर्मा इन सेंस, एकेंथस प्लस स्पर्मा यानी कि स्पाइनी, स्पाइनी सीड्स है। तो एकेंथोस्पर्मम जो वीड के रूप में है उस पे सीड के ऊपर इसमें फ्रूट पे स्पाइंस होते हैं, स्पाइनी फ्रूट के लिए ये वर्ड काम में लेते हैं। और इस प्रकार से जैसे हिपेटिका जो जीनस है, जीनस हिपेटिका, इसमें लीवर लाइक लीव्स होती है, उसके लिए हिपेटिका अपन जो है वो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग ट्राइफोलियम जीनस हैं, ट्राइफोलियम, ट्राई यानी थ्री, फोलिया यानी लीव्स, यानी कि ट्राइपिनेट लीव्स है, ट्राइपिनेट लीव्स है तो उसके लिए ट्राइफोलियम है। इसके बाद एबोरिजिनल नेम जो है, जो कुछ ऐसे भी नाम है जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर
जो उनकी उत्पत्ति है लोकल लैंग्वेज में वहाँ से ये लिए गए हैं, वहाँ ये फेमस है। और उसमें दो उदाहरण अपन लेते हैं, एक तो नार्सिसस का है, नार्सिसस, और दूसरा गिंगको, गिंगको जिंगोस्पर्म। नार्सिसस है वो लैटिन भाषा का वर्ड है और ये यूरोपियन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा का वर्ड यूरोपियन लैंग्वेज। और नार्सिसस जीनस और वहाँ के गॉड के आधार पे है या फेमस गॉड है, इसी प्रकार से गिंगको भी फेमस गॉड ऑफ चाइना, तो वहां से इसका नाम लिया गया है। तो ये सबसे पहले अपन है वंश की नामकरण में किस आधारित होते हैं हो सकते हैं। अब सेकंड जो है नेमिंग ऑफ टैक्सा में स्पीशीज का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। स्पीशीज के नामकरण के लिए स्पीशीज प्रजाति का नामकरण, इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रजाति का जो नामकरण है वो बाइनोमियल होता है, यानी कि ये द्विनाम होता है, किसी भी प्रजाति का नाम द्विनाम होता है। फर्स्ट एपिथेट है वो स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक एपिथेट कहलाता है वंश नाम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। इसलिए स्पीशीज का नेमिंग जो है वो टैक्सोन का वो बाइनोमियल के रूप में होता है, और उसके अंतर्गत ये जो नाम है वो किसी सबसे पहला नेम ऑफ ए पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ ए पर्सन, जो व्यक्ति स्पीशीज को डिस्कवरी करता है उसके आधार पे ये नाम हो सकता है। और जिसमें अपन कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें जैसे रॉयल है, रॉयल ने जो डिस्कवर किया जैसे इंपेशियंस, इंपेशियंस रॉयलाई, तो रॉयल है तो उसका रॉयलाई, ये इंपेशियंस रॉयलाई बालसन की प्रजाति है। इसी प्रकार से जैसे हुकर, हुकर, हुकर के आधार पे है तो इसमें आइरिस हुकेरी, आइरिस का हुकेरी जो है ये आइरिस की प्रजाति है, आइरिस हुकेरी। इस प्रकार से वेलिच है, यूफोर्बिया वेलिच है, यूफोर्बिया वेलिचाई, ये यूफोर्बिया की वेलिचाई स्पीशीज है। और इसके बाद में लिनियस, लिनियस में इंडिकोफेरा की एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इंडिकोफेरा लाइनाई, इंडिकोफेरा, इंडिकोफेरा लाइनाई, इसमें डबल एन ए आई, इंडिकोफेरा लिनियस से संबंधित है। तो ये नेम ऑफ ए पर्सन जो है वो अपन उसको ले सकते हैं। सेकंड जो है वो प्लेस के आधार पर हो सकता है स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर। और प्लेस में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन रोज जो होता है वो रोजा इंडिका है, ये रोजा इंडिका इंडियन रोज है, तो ये प्लेस हो गया इंडिया। इस प्रकार से जैसे फाइकस बेंगालेंसिस है, बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस जो अपना नेशनल ट्री है और वो नेटिव बंगाल से, बंगाल प्रदेश से संबंधित है। इसी प्रकार से जैसे सोलेनम वर्जियनम, सोलेनम वर्जियनम जो है वो वर्जीनिया प्रोविंस ऑफ यूएस से संबंधित है, सोलेनम जैंतोकार्पम का ये नया नाम है सोलेनम वर्जीनियम, तो ये उससे संबंधित है। और आइरिश कासमुरिया में इसी प्रकार से एक आइरिश की कासमुरियाना प्रजाति कश्मीर से है, तो ये प्लेस के आधार पे इसका नामकरण हो सकता है। इसी प्रकार से फिर थर्ड जो है वो कैरेक्टर्स के आधार पे, प्लांट कैरेक्टर्स के आधार पे जो नामकरण जो होता है, और इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले जैसे कि व्हाइट प्लांट पार्ट, व्हाइट प्लांट पार्ट से इसके लिए एल्बा या एल्बम का प्रयोग होगा, अगर वो मैस्कुलिन नाउन है तो एल्बा आएगा, न्यूट्रल है तो एल्बम आएगा। इसी प्रकार से कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं क्रॉप के रूप में,
तो सकाइवा का प्रयोग होगा सकाइवा या सकाइवस, सकाइवम या सकाइवस। तो ये अलग अलग जो है वो टू कलर्ड है, टू कलर्ड इसके लिए बाई कलर आएगा, जैसे आईफोन या बाई कलर। जाति के नीचे की जो है रैंक जो होती है, जिसमें तीन इंपोर्टेंट है,
या ब्रैकेट ब्रैकेट और तीसरा जो होता है फॉर्मा उसको एफ लिखा जाता है। इन तीनों का जब अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी का तो इनके नॉमेनक्लेचर अपन ट्राइनोमियल रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट जो जेनेरिक एपिथेट होता है जेनेरिक एपिथेट सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट और थर्ड जो है वो इंफ्रा स्पेसिफिक एपिथेट ये तीन इसमें एपिथेट होता है और इसका नामकरण ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किया जाता है। सबसे पहले अपन सब स्पीशीज का उदाहरण ले रहे हैं जैसे कि अकेसिया है अकेसिया नाइलोटिका सब स्पीशीज इंडिका ये जो देसी बबूल होता है उसका बॉटनिकल नेम है अकेसिया नाइलोटिका सब स्पीशीज इंडिका। इसी प्रकार से एक होता है अकेसिया नाइलोटिका सब स्पीशीज कुप्रिसिफॉर्मिस होता है और इसमें सब स्पीशीज का उदाहरण अपन लेते हैं। वराइटा के अंदर जैसे कि लेंटाना है लेंटाना कमारा जो अरबी के अंदर जो लेंटानिया जो होता है सिर्फ वो लेंटाना कमारा है और उसमें वैरायटी वैरायटी एक्यूलेटा है कॉमन जो वैरायटी है वो एक्यूलेटा है और वेरिया भी है अलग अलग वैरायटी है और इस प्रकार से फॉर्मा में जैसे टेक्टोना है टेक्टोना ग्रैंडिस ये टी होता है और उसमें फॉर्मा के लिए एफ आएगा कंक्राटा फॉर्मा कंक्राटा ये साधारण होता है टी ये लेंटाना है और ये अकेसिया है। एक और उदाहरण सब स्पीशीज में जैसे एंजेलिका है एंजेलिका आर्क एंजेलिका एंजेलिका आर्क एंजेलिका सब स्पीशीज लिटोरेलिस लिटोरेलिस एंजेलिका जो है वो अम्बेलिफेरी का प्लांट है जो ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है तो एंजेलिका आर्क एंजेलिका सब स्पीशीज लिटोरेलिस। तो ये इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके नॉमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता है। एक और उदाहरण जैसे कि आपके पत्ता गोभी होता है कैबेज बंद गोभी ब्रेसिका ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी वो वैरायटी होती है कैपिटेटा कैपिटेटा ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटराइटिस ये अलग अलग